करके बोलना देता अरसा तो फरसा से आया सारे जगदा वाली रोज है दशहरा साली रोज है आज हमारे सामने परम पूज्य श्रीमान महात्मा जी शबद प्रेमानंद जी सभी जानते हैं जो शबद से प्रेम करते हैं और उस प्रेम को संपूर्ण विश्व के भक्त जनों को बांट रहे हैं। बहुत असीम कृपा की है। मैं अपनी तरफ से समस्त आश्रम वासियों की तरफ से एवं सभी गुरुओं की तरफ से पूज्य महात्मा जी के पावन चरणारविंदों में तह दिल से अभिनंदन वंदन श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ और बार बार आभार प्रकट करता हूँ। जिन्होंने ज्ञान की रोशनी बख्शीश करी वो ज्ञान दिया दीपावली कि अपने हृदय के अंदर केवल नाम और भक्ति का दीप जलाना है। साध संगत में चांदना सकल अंधेरा हो सहजो दुर्लभ पाइए सत संगत में हम वचनों में रोशनी भक्ति करी कि महापुरुषों की संगत के अंदर ही रोशनी है। संपूर्ण विश्व के अंदर अंधकार ही अंधकार है। इतना सुंदर दृष्टांत दिया कि सुनाई नहीं देता परंतु जो अंदर के कान हैं वो खुले हुए हैं। दृष्टि महापुरुषों के चरणों में है। जब महापुरुषों की अच्छी देव आती है तो अंतःकरण स्वयं ही प्रज्वलित हो उठता है। अंतःकरण की ध्वनि स्वयं ही सुननी शुरू हो जाती है। वही आज हमको ज्ञान बख्शीश किया है। मैं ज्यादा तो सत्संग नहीं करूंगा क्योंकि आज तो केवल दर्शन और लीला ही लीला है। जयकारा तो बोलो। उस महात्मा जी के लिए थोड़ा बहुत जो जुबान है जो लिखा है वो व्यक्त करता हूँ उसके चरणों में प्रभु कबूल करेंगे। हैं सौभाग्य हमारे जो श्री परमहंसों के प्रिय लाल पधारे हैं हर नजर श्रद्धा प्रेम से बस आपको ही निहारे हैं। हम करते हैं दिल की गहराइयों से आपका स्वागत। हम करते हैं दिल की गहराइयों से आपका स्वागत है आप चांद श्री आनंदपुर धाम के और श्री सतगुरु देव की आंखों के तारे हैं। सभी गुरुमुखजन अमृत वेले कार्तिक माह में आते रहे और कल ही पावन महान ग्रंथ का भोग पड़ा था। पूरे कार्तिक पुण्य महीने में नियम से किया श्री ग्रंथ का श्रवण। कल भोग पड़ा आज हुए आप जी के पावन शुभ दर्शन। प्रसन्न हो श्री परमहंसों जी ने दिया है कार्तिक के पुण्य का फल अपने सलोने रूप में दर्शन देकर भक्तों की साधना कर दी सफल।
हृदय से आप जी का हम स्वागत करते हैं, आप जी से हम सब प्यार बेशुमार करते हैं। पावन चरण कमलों के स्पर्श से खिल उठा ये प्रागण, श्रद्धा प्रेम से दीप जलाकर आप जी को नमन बारंबार करते हैं। खुशियों के दीप जल उठे, खुशियों के दीप जल उठे, सतगुरु जी के प्यारे हनुमंत पधारे हैं, साथ में श्री सतगुरु जी का शुभ संदेश आशीष लाए हैं। आप जी के इस उपकार का बारंबार शुक्राना धन हुए हम पाकर के ये खुशियों का खजाना था। सरल संत ने हमको खुदाई का नूर दिखा है, मधुर वाणी अगर सुन लें सुकून भरपूर मिलता है। सरल संत ने हमको खुदाई का नूर दिखा है, मधुर वाणी अगर सुन लें सुकून भरपूर मिलता है। समय समय पर आप जब भी कुटिया में कुछ फरमाते हैं तो ऐसा लगता है कि आप जी के रूप में मेरे सतगुरु देव आते हैं। जैसे रात को आसमान में नजर आते हैं सितारे, जैसे रात को आसमां में नजर आते हैं सितारे, आप जी के आने से यहाँ वारे हो गए न्यारे न्यारे। मेरे भ्राता संतन सरकार आए तो ऐसा लगा, मेरे भ्राता संतन सरकार आए तो ऐसा लगा जैसे सुदामा के घर श्री कृष्ण पधारे हैं। कोना कोना जगमगा रहा दीप जले कर आंगन, सच्ची दिवाली मना रहे आज, भर लो खुशियों से दामन। आज की यह सच्ची खुशियां सब श्री सतगुरु देव की बदौलत है, जो भेजा अपने प्रिय सेवक लुटाने भक्ति की दुर्लभ दौलत है। आप जी ने जो असीम कृपा श्री सतगुरु देव दाता दयाल जी महाराज जी का परम पवित्र पावन आशीर्वाद हम सभी प्रमुखों को वरदान में दिया, उसके लिए मैं फिर से उस महात्मा जी के पावन चरणारविंदों में बारंबार शुक्राना धन्यवाद। और सब कुछ जो कुछ भी है जो कह नहीं सकते वो तह दिल से वो सब कुछ अर्पण करता हूँ, और जो आपने इतना सुंदर समय दिया है उसके लिए हम बहुत बहुत आभारी हैं। इसी प्रकार आप आते रहें, दर्शन दीदार देते रहें, खुशियाँ लुटाते रहें, हम भी यहाँ खुश रहें। और हम तह दिल से यही दुआ करते हैं कि श्री सतगुरु देव दाता दयाल जी महाराज जी आपकी सेहत को हमेशा सकुशल रखें, आप तंदुरुस्त रहें। श्री गुरु महाराज जी के मंजूरे नज़र हैं और मंजूरे नज़र बने रहें, आपकी रहमत श्री गुरु महाराज जी की आप पर हमेशा बनी रहे। आप जिस लक्ष्य को लेकर के आगे की यात्रा के लिए जा रहे हैं, हमारे सबकी शुभकामनाएं हैं कि आप जन जन को भक्ति का संदेश दें, घर जन जन के हृदय में भक्ति का दीपक जला दें, और चारों तरफ श्री ब्रह्मानंद दयाल जी महाराज जी की श्री श्री 108 श्री पंचम पातशाह जी महाराज जी हमारे इष्ट देव नैना अभिराम भक्ति परमारथ रूहानियत की शहनशाह जिनकी ज्योत आज हजूर महाराज जी के रूप में प्रकट है, उस चारों तरफ फैला करके खुशी खुशी वापस आए। बोलो जय जयकार।
एक शब्द होगा, गुरुमुख जन अपने अपने स्थान पर बैठे रहें, बैठे बैठे इसको प्रसाद मिलेगा। गुरुमुख जन मत्था टेकेंगे, परंतु जैसे कह रहे हैं उसी प्रकार भक्तानियां कोई भी नाव के टहले, घड़ी में देख करके केवल 15 मिनट लगेंगे, 20 भी नहीं होंगे, 15 मिनट में सब भगत जन मत्था टेक लेंगे। जैसे दोष दिखता है इधर से आएंगे, एक लाइन इधर से वापस, एक लाइन इधर से, यहाँ कोई भी नहीं खड़ा होगा, बैठे बैठे पहले प्रसाद ले लें, उसके बाद श्री चरणों में मत्था टेकें। तुझे महात्मा जी आपका समय तो कीमती है, पर आज हमारे लिए हो तो काफी साल के बाद काफी सालों की इंतजार थी कि कब होगा, जब टाइम मिलेगा। आज पूज्य महात्मा जी ने बहुत कृपा करी है, अपना अनमोल समय अनमोल धाम में दिया है।